तो दोस्तों Realme अब एक से एक फोन लॉन्च कर रहा है और एक से एक बढ़िया फोन है। अभी रिसेंटली ही Realme 13 Plus लॉन्च हुआ था, इसके बाद Realme Narzo 70 Turbo भी लॉन्च हुआ है। अब जो फोन लॉन्च हुआ है वो है Realme P2 Pro। तो ये फोन Realme P1 Pro का सक्सेसर है और इस फोन के अंदर हमें काफी अच्छे स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि Snapdragon 7S Gen 2 प्रोसेसर है, 120Hz का कर्व डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, Sony का कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, साथ ही एक बिग बैटरी का आपको सपोर्ट मिल जाता है, 80 वॉट का आपको यहाँ पे चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है अंडर 20,000 के अंदर। तो ये सारी चीजों के बारे में अभी हम यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं कि फोन एक्चुअल में कैसा होने वाला है और क्या स्पेक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। सो फोन के डिजाइन एंड लुक के बारे में बात करते हैं। तो जो फोन का फर्स्ट लुक है वो फ्रंट से देखने में कुछ ऐसा दिखता है एंड बैक से देखने में कुछ ऐसा दिखता है। एंड यहाँ पे मैं सच बताऊं तो Realme P1 Pro से यहाँ पे जो डिजाइन है वो स्लाइटली चेंज किया गया है। पहले थोड़ा सा ग्लॉसी में था लेकिन यहाँ पे इस बार थोड़ा सा इसको डिफरेंट रखा गया है। हल्का सा आप यहाँ पे देखोगे कि मैट फिनिश में आपको दिखने वाला है। जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट बैक है, फ्रेम जो है वो भी पॉलीकार्बोनेट फ्रेम आपको देखने को मिल जाता है, एक बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और जो प्रीमियम फील आने वाला होता है वो डेफिनेटली इस फोन के अंदर है। और वैसे भी इसका नाम है Realme P2 Pro एंड P का मतलब होता है पावर, तो यहाँ पे आपको पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को डेफिनेटली मिलने वाली है। लेकिन जो इसका लुक एंड डिजाइन है वो काफी हद तक बहुत अच्छा निकाला है इस बार Realme ने। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस फोन के वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 181 ग्राम यहाँ पे आपको वेट देखने को मिल जाता है और जो थिकनेस है वो 8.2 mm की थिकनेस है। तो यानी कि फोन को थोड़ा थिकनेस तो रखा गया है क्योंकि एक बिग बैटरी का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन जो फोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन है काफी अच्छा रखा गया है। इवन बिग बैटरी होने के बावजूद भी फोन काफी हैवी फील नहीं होने वाला है, ना ही आपको बहुत लाइटर साइड में मिलने वाला है, यानी कि एक मॉडरेट आपको यहाँ पे वेट देखने को मिल जाएगा। सो लुक एंड डिजाइन में तो यहाँ पे बिग थम्स अप है Realme P2 Pro को, क्योंकि डेफिनेटली एक अच्छा लुक यहाँ पे देखने को मिला है। सो बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की। तो यहाँ पे अगर हम जो इसके डिस्प्ले देखते हैं तो 6.7 इंचेस की OLED डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है विद 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 2000 nits की पिक ब्राइटनेस है, 90.6% का आपको यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। प्रोटेक्शन की बात की जाए तो गोरिल्ला ग्लास 7i का आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है। तो लेकिन यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ ना तो कलर्स आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, सैचुरेटेड कलर्स हैं, जहाँ पे आपको डीप कलर्स देखने को मिलने चाहिए वहाँ पे आपको डीप कलर्स देखने को मिलते हैं। YouTube पे अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं तो 2160p पे आप यहाँ पे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, HDR का सपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। जो बेजल्स हैं आपको कम देखने को मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमल बेजल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, हल्का सा चेन साइड पे थोड़ा सा बेजल्स है, लेकिन एक 20,000 के फोन के लिए जो डिस्प्ले यहाँ पे दी गई है काफी अच्छी डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर अच्छी डिस्प्ले होगी तो डेफिनेटली गेमिंग में भी उतना ही मजा आने वाला है। सो यहाँ पे जो डिस्प्ले दी गई है क्वालिटी वाइज अगर मैं बोलूँ तो डिस्प्ले काफी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो फटाफट से अब इसके पोर्ट्स एंड बटन्स की बात कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे सिम कार्ड ट्रे दिया गया है जो कि डुअल सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, स्पीकर ग्रिल है, USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, राइट हैंड साइड में वॉल्यूम बटन है, पावर बटन है, ऊपर की साइड नॉइस कैंसिलेशन है एंड स्पीकर्स है, और जो ये स्पीकर्स हैं स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। तो ये आपको पोर्ट्स एंड बटन में सारी चीजें दी गई हैं। सो बात करते हैं यहाँ पे इस फोन के कैमरे की। तो देखो कैमरे में यहाँ पे आपको दिया गया है डुअल कैमरा सेटअप है, 50 megapixel का वाइड कैमरा है जिसके अंदर आपको सोनी का लाइट या 600 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। प्लस अगर मैं यहाँ पे इसके दूसरे कैमरे की बात करूँ तो 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड है और यहाँ पे आपको OIS का सपोर्ट दिया गया है मेन कैमरे में। एंड फ्रंट कैमरे की बात करी जाए तो 32 megapixel का वाइड कैमरा मिल जाता है एंड दोनों ही कैमरे में आप 4K की वीडियोस को 30 FPS से शूट कर सकते हैं एंड EIS OIS दोनों का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे ना आपको Realme का फोन जरूर है, मैंने ये भी चीज जरूर बोली है कि परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये चीज भी है कि यहाँ पे आपको कैमरा भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। जो कलर्स हैं वो काफी सैचुरेटेड कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो नेचुरल कलर्स हैं वही आपको देखने को मिल रहे हैं। प्लस जो यहाँ पे आपको स्किन टोन है वो भी हद तक काफी सॉफ्ट रखा गया है, डिटेल्स काफी आपको अच्छी देखने वाली है। अगर आपको एज डिटेक्शन देखना है तो वो भी काफी अच्छा रखा गया है, अगर आप इंडोर एंड आउटडोर में शूट कर रहे हैं ना तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी फोटोग्राफी देखने को मिल जाएगी। एंड हो भी क्यों ना, 20,000 के अंदर ये फोन आने वाला है तो अच्छा कैमरा होना भी बनता है एंड ये Realme P2 Pro है सो यहाँ पे आपको कैमरा भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और स्पेशली यहाँ पे आपको सोनी लाइट या 600 का सेंसर मिल रहा है जो कि हमें Realme P1 Pro के अंदर भी देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी सेम कैमरा सेंसर रखा
रखा गया है, लेकिन ये एक 20 से 25 हजार के बीच के फोन के लिए काफी पॉपुलर सेंसर बन जाता है और यहाँ पे ये सोनी का सेंसर होना काफी सही चीज है। फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको नाइट मोड है, स्ट्रीट मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, एंड मोड्स में भी आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो यार यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये भी है कि फ्रंट से आप बैक से आप दोनों में ही 4K की वीडियोस को 30 FPS से रिकॉर्ड कर सकते हैं। OIS एंड EIS का दोनों का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो फाइनली अब यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर है, जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे, और इस प्रोसेसर का जो अंतुतु स्कोर है वो भी 6,79,000 के अराउंड है। तो यानी ये स्कोर काफी अच्छा माना जाता है, जिसमें यहाँ पे आपको BGMI में गेमिंग मोड मिल जाते हैं, जो ग्राफिक्स है वो काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर डिस्प्ले काफी अच्छी होगी, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी होगी, तो गेमिंग में भी उतना ही मजा आएगा। और यहाँ पे आप स्मूथ में एक्सट्रीम प्ले कर सकते हैं, यानी 60 FPS की आप यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं, जायरो वगैरह काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। गेमिंग के लिए ये परफेक्ट फोन होने वाला है, अगर आप यहाँ पे गेमिंग के लिए अगर फोन बाय करना चाहते हैं तो। सो यहाँ पे अगर हम Realme P1 Pro से कंपेयर करें तो वहाँ पे आपको Snapdragon 6 Gen 1 वाला आपको वहाँ पे प्रोसेसर मिला था, जो वर्क करता था 4nm के चिपसेट पे, और यहाँ पे आपको 7S Gen 2 वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। और हालांकि जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ये P2 Pro है वो परफॉर्मेंस कोर जो है इसका 2.4 GHz पे क्लॉक्ड है, और जो एफिशिएंसी कोर है वो 1.9 GHz पे क्लॉक्ड है। और वही मैं बात करूं Realme P1 Pro की, तो जो उसकी परफॉर्मेंस कोर थी वो 2.2 GHz एंड एफिशिएंसी कोर 1.8 GHz पे क्लॉक्ड है। सो यहाँ पे जो डिफरेंस हो जाता है कि स्लाइटली आपको एक अपग्रेड देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी और अच्छी देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड फोन ये एक होने वाला है, जिसके अंदर आप कोई भी गेमिंग्स वगैरह आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी लैग एंड ड्रॉप का आपको इशू यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। सो अब यहाँ पे बात करते हैं OS एंड UI की। तो ये फोन बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पे, जिसको वर्क करता देखोगे Realme UI 5.0 पे। सो यहाँ पे अगर मैं मल्टीटास्किंग की बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये फोन आपको यहाँ पे दो वेरिएंट में मिलने वाला है। एक है 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट, एंड दूसरा है 12GB RAM प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट। LPDDR4X RAM टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है, जिसकी वजह से जो रीड एंड राइट स्पीड है वो काफी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग है ना वो काफी इजी हो जाता है। अगर आप कोई भी एप्स ओपन करना चाहते हो तो वो फास्टली सारे एप्स लोडेड हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, तो वहां पे भी आपको लैक एंड ड्रॉप का इशू नहीं देखने को मिलता है। एंड ऑब्वियसली बात है UFS 3.1 आपको स्टोरेज टाइप देखने को मिल रहा है। हालांकि हमें 20,000 के फोन में भी UFS 2.2 हमें स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे Realme एक अपग्रेड लेके आया है, दैट इज UFS 3.1। तो बैटरी की बात की जाए तो 5200 mAh की बैटरी मिलती है, जो सपोर्ट करती है 80W के चार्जिंग स्पीड को, और यहाँ पे आप स्लाइटली अपग्रेड देखोगे P1 Pro से। लेकिन ये चीज है, यहाँ पे एक हैवी बैटरी देने के बावजूद भी वेट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो चीज काफी ज्यादा अच्छी रखी गई है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो 9 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5.3 को सपोर्ट करता है, NFC का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, डुअल बैंड Wi-Fi है, IP65 की रेटिंग मिल जाती है। और हाँ, ये फोन आपको यहाँ पे दो कलर्स में मिलने वाले हैं, एक है पैरेट ग्रीन एंड दूसरा है ईगल ग्रे, दोनों ही कलर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। प्राइस की बात की जाए तो ये फोन आपको डिस्काउंट लगाने के बाद 20,000 के अराउंड डेफिनेटली कॉस्ट करने वाला है। तो जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आपको मिलने वाला है, उस प्राइस पॉइंट पे जो स्पेसिफिकेशन आपको मिल रही है वो काफी ज्यादा बेस्ट हो जाते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको Realme P1 Pro से एक अपग्रेड देखने को जरूर मिलेगा Realme P2 Pro पे। हालांकि यहाँ पे एक चीज और होती, दैट इज NFC का सपोर्ट मिल जाता तो काफी ज्यादा अच्छा होता, बट यहाँ पे हमें NFC का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। बट ओवरऑल ये फोन एक ऑलराउंडर फोन है। तो ये फोन आपको कैसा लगा, ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।